नाज़रीन, जब से अर्ज़े वतन पाकिस्तान वजूद में आया है तब से पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए इस मुल्क के फौजी जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और इन्हीं कुर्बानियां देने वाले फौजी जवानों में से बहुत सो को निशाने हैदर भी दिया गया। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे सपूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जिसको सबसे पहले निशाने हैदर दिया गया था। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भट्टी शहीद की बहादुरी और उनकी जिंदगी के हवाले से चंद अहम हकाइक आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हमारे वो तमाम मौजूद नाजरीन जिन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। नाजरीन, कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भट्टी शहीद रावलपिंडी के एक गाँव सिंघोरी में 10 नवंबर 1910 में पैदा हुए। 1929 में उन्होंने फौज में शमूलियत हासिल की और 1946 में कैप्टन के ओहदे पर फाइज हुए। 1948 में जब वो पंजाब रेजिमेंट के 2nd बटालियन में कंपनी कमांडर के फ्राइज सर अंजाम दे रहे थे तो उनको कश्मीर में ऑपरेशन पर मामूर कर दिया गया। आपने भारतीय फौज को गिलगित बल्तिस्तान में लद्दाख की तरफ बुरी तरह पसपा किया। 27 जुलाई 1948 को जब इनकी बटालन ने अड़ी सेक्टर में दुश्मन की पोजीशन पर हमला किया और दुश्मन को बुरी तरह पसपा किया तो इसी लड़ाई के दौरान शदीद जख्मी होने के बाद कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भट्टी शहीद हो गए और इस तरह पाकिस्तान का ये बहादुर सपूत पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर गया। 27 अक्टूबर 1959 को आपको निशाने हैदर के एजाज से नवाजा गया। नाजरीन, याद रखिएगा कि कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भट्टी शहीद पाकिस्तानी अफवाज के वो पहले शहीद हैं कि जिनको निशाने हैदर के एजाज से नवाजा गया था। अल्लाह ताला हमारी पाक अफवाज को इसी तरह पाकिस्तान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुल्क को दुश्मन से हर हालत में महफूज रखे।